अरे चचिंडे, कितने किलो होंगे ये? 2 किलो मदद मिल जाए सरकार से। हाँ, हम अपने ब्लॉग के माध्यम और ये चचिंडे भी ले आए हैं हमारे, और ये सब्जी तोड़ दी है। ये बैंगन ही बैंगन तोड़े आप? और पॉली हाउस के अंदर तो चचिंडे और खीरा ही है, वहाँ पे कम लगे हुए हैं। और ये है दूसरा पॉली हाउस जिसमें केवल खीरे खीरे की बेल है। लगे नहीं अभी, लगे नहीं है की अभी लगे नहीं। अच्छा अच्छा, अभी फूल ही आ रखे हैं इसमें। ये भी काफी बड़ा है। तो हम आ गए हैं तीसरे पॉली हाउस में, इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ भी खीरे लग गए। अच्छा, लगा हुआ है। ये देखो, हाँ छोटे हैं अभी, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं, अभी बड़ा नहीं है। ये देसी खीरा है सारा, यहाँ केवल खीरे ही खीरे। चचिंडा कम है, चचिंडा नहीं है इधर। हाँ उधर है, और ये स्टोर है यहाँ खाद रखने के लिए। अंदर भी दिखाते हैं, यहाँ पर बिस्तर वगैरह भी लगा हुआ है आपका। अच्छा, यहाँ पे काफी खाद वगैरह है। तो आप कितने सालों से कर रहे हो यहाँ पे खेती? 6 सालों से। 6 साल से? अच्छा, तो अच्छा मतलब अच्छी हो रही थी पहले खेती? पहले अच्छे थे, साल से इसी साल हुई खराब की? पहले भी नहीं, इसी साल हुई। अच्छा, तो पहले तक इन बहुत ज्यादा नुकसान हो गए? पहले तक इनकम अच्छी आती थी? पहले ठीक हो जाता, घर का गुजारा चल जाता था ना। अच्छा, इस समय तो घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। ये यार पाइप निकाल दिए इन्होंने तो। अच्छा, तो आपका मतलब और कुछ रोजगार नहीं है? कुछ नहीं है, केवल इसी में फल वगैरह, मतलब ये सब्जी है जो आपकी ना। हम मजदूरी कर रहे हैं, परिवार तो पालना ही है। परिवार तो पालना ही है, सही बात है। तो आपका मतलब काफी अच्छा चल जाता था पहले? घर का गुजारा चल जाता था ना। हाँ। कितना महंगा टमाटर का पैकेट ला रखा था। हाँ, बोने के लिए। हाँ, तो बर्बाद है। सारा बर्बाद इस टाइम वही हुआ। हाँ हाँ, सरकार को भी करना चाहिए ना, जो किसान लोग हैं जो घर में कर रहे हैं। नहीं तो लोग खेती कहाँ कर रहे हैं आजकल, जो लोग दो चार घर में कर देते थे, थोड़ा हौसला मिल जाता ना। सही बात है। हाँ, थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है इनको, क्योंकि इनका थोड़ा इस टाइम खेती बर्बाद हो गई, तो इनको थोड़ा दिल टूट गया है कि आगे जाके भी ऐसे होगा तो कैसे गुजारा होगा। बढ़िया, ये क्वालिटी हो रहा है ना। बीज भी बहुत महंगे लगे यहाँ पर। ये देखो ये है, अरे मैं सही बोल रहे ना, ये देखो खराब हो गया, कुछ खराब हो रही है, बरखा वजह से होना ना खराब। हाँ, ज्यादा बारिश पड़ रही। थोड़ा हमारे लिए भी निकाल दो, हम वो दे देंगे ना। तो हम यहाँ आ रखे हैं, तो हम शिमला मिर्च और बैंगन लेके भी जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सस्ती भी है सब्जी और काफी अच्छी, मतलब वैसे तो खराब हो गया है लेकिन शिमला मिर्च अच्छी दिख रही है, बैंगन भी अच्छा दिख रहा है। तो हमने बोल दिया एक एक किलो वो भी कर देना मान ले, तो निकाल रहे हैं फिलहाल। गाँव में ना कितनी अच्छी खेती करी रहती है, पिछले साल तक तो काफी अच्छी खेती हुई, इस साल ही हुआ है उनका। बोल रहे हैं कि इस साल थोड़ी बर्बाद हो गई ना, बारिश और ओले ज्यादा पड़े इसलिए उनका खराब हो गया, नहीं तो बहुत अच्छा चलता था। तीन तीन दिन के पॉली हाउस हैं और इतने सारे खेत हैं ना, मिर्च अलग है, शिमला मिर्च, हर प्रकार की सब्जी यहाँ पे मिलेगी। इस टाइम थोड़ा वो इस टाइम काफ़ी दुखी से लग रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि घर का गुजारा इसी में चलता है और इस टाइम फसल भी बर्बाद हो गई। टमाटर तो बिल्कुल भी नहीं हुए और जो हुए हैं उनका देख के लग रहा है कि काफ़ी ख़राब हो गई है। बारिश कुछ ज़्यादा ही हो गई थी ना इस टाइम, अब क्या कर सकते हैं, बारिश के साथ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, प्रकृति के साथ तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, कब क्या हो जाए। तो काफ़ी दुखी से लग रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले साल से मेहनत जो करेगा तो कभी ना कभी उसका अच्छा फल तो मिलता ही है। तो फसल इस टाइम ख़राब हुई है, ऐसा तो नहीं है कि हर साल ही ख़राब हो, कभी अच्छा मिलेगा कभी बुरा, ऐसे तो होता रहता है। तो मेहनत काफ़ी अच्छी है, देख के भी अच्छा लगता है कि गांव में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग। और ये सब्जी तोड़ दी है, ये बैंगन ही बैंगन तोड़े आपने? कितने हैं? अच्छा, ये लागे हमारे कितने सारे चचिंडे, कितने किलो होंगे ये? 2 किलो का लगभग। अच्छा, यहाँ पे तराजू भी है और काफी बैंगन और ये चचिंडे भी ले आए हैं हमारे। गाइस, ये फूल कितने मस्त लग रहे हैं देखो। हाय, ये गेंदा के फूल हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये सब्जी भी दे दी है इन्होंने काफ़ी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितना हो सकेगा हम भी मतलब इसके माध्यम से हाँ भेजेंगे। हाँ, मदद के लिए। चलो तो चलते हैं हम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मदद मिल जाए सरकार से। हाँ हम अपने ब्लॉग के माध्यम से बता ही रहे हैं कि यहाँ पे कितना नुकसान हो रखा है। पहले यहाँ पे काफी होती थी सब्जी, इस साल ही हुआ ना यहाँ पे तो जाना जाता था ये। इसके लिए तो हम बोल ही रहे हैं सब्जी ना। अच्छा इस टाइम आपकी इनकम लगभग कितनी हुई होगी? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, जितना लगाया उतना कुछ भी नहीं हो। बच्चे कितने बड़े हैं आपके भाई? एक दो बड़े जो। अच्छा निवेदन है कि इनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए इस टाइम, जब जब किसान लोगों की मदद तो करनी चाहिए। अगर किसान लोग करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या कोई भी? सपोर्ट भी ना सास होंगे ससुर होंगे टेंशन नहीं रहता बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा आप खुद ही हो ना? ठीक है फिर मिलेंगे। टमाटर का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इसीलिए तो टमाटर इतने महंगे हुए इस टाइम। हमें टमाटर अगर इस समय होते ना आपके समय आप ये लगा लो गोल्डन जुबली तो तुम्हारा पूरा वसूल का पैसा बहुत चंद बहुत। और ये है टमाटर, तो टमाटर सारे बर्बाद हो गए इसीलिए तो टमाटर 200 रुपए किलो जा रहा है इस समय। तो आ गए हम यहाँ उनकी खेती देख के और बहुत दुख भी हो रहा है क्योंकि उनका ना काफ़ी नुकसान हो गया है। तो काफ़ी दुखी मतलब उसमें बोल रहे थे, दुखी से होकर बोल रहे थे कि इस टाइम काफ़ी बर्बाद हो गई है फसल। तो क्या कर सकते हैं आप? और सरकार से यही रिक्वेस्ट है जो जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, ब्लॉग के माध्यम से अगर सरकार तक ये बात पहुँच जाती है कि जो ये किसान लोग हैं खेती कर रहे हैं, जो ये बकरी पाल रहे थे यहाँ पे, और उनकी ना जो गरीब हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनका गुजारा उसी से चल रहा है, तो उनकी मदद उनकी मदद ना ज़रूर करनी चाहिए सरकार को। तो आगे हम क्या बोल सकते हैं, सरकार को भी देखना चाहिए किसान लोगों के प्रति। तो फिलहाल आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।